This conference will now be recorded. गर्भ शरीर के ऊपर हम व्याख्यान सत्र चालू कर रहे हैं और उसमें से हमारे दो व्याख्यान हुए हैं अभी तक। अभी तीसरे व्याख्यान में हम गर्भाधान की जो विधि है उसको विस्तार से देखने वाले हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में ये जाना था कि गर्भाधान किस पद्धति से होता है। तो आयुर्वेद में भी उसकी वर्णित जो पद्धति है वह चरक शरीर स्थान तीसरे अध्याय में जो वर्णित है उसको हमने विस्तार से देखा था कि पुरुष का अनुपहत रेत यानी बिल्कुल ही हेल्दी शुक्र धातु जिसमें स्पर्म या पुरुष बीज जो रहेंगे बहुत ही उत्कृष्ट या प्राकृत स्थिति में रहेंगे और स्त्री जो कि आधार है क्योंकि गर्भाशय स्त्री विशिष्ट शरीर में रहता है तो स्त्री का अप्रदुष्ट योनि यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देन शोणित यानी स्त्री बीज और गर्भाशय जहां पे गर्भ को रहना है तो ये तीनों ही अप्रदुष्ट यानी वह उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऋतुकाल में जब वह एकत्रित होते हैं ऐसे स्त्री पुरुष तब वहां जीव प्रवेश करके शुक्र शोणित और सत्व यानी मन इनका संयोग होने से गर्भो अभिनिवर्तते यानी वहां पे गर्भ की उत्पत्ति होती है निर्मिति होती है। ठीक है तो इसका आगे का भाग हम देखेंगे, यहां तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसको आसानी से अगर हम समझे तो आयुर्वेद में जो विधि बताई है फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट पर्टिकुलर फीमेल शुड फॉलो द ब्रह्मचर्य फॉर 3 days ऑन द 4th day शी शुड टेक बाथ विद washing her head also and wear white garments then enter the place of God and should offer oblation with rice and ghrit. So these are some details which are described in Ayurveda to maintain the positivity and to get maximum those all benefits, positive mind state as well as the jivatma that should be very delightful. So to get male child, even days of Ritukala should be selected. And for female child, odd day of Ritukala should be selected. Nowadays, this Pusaman Vidhi or odd even days also, to speak in general is offense. But as a medical science, Ayurveda literature has described it, that's why we are studying. Even days, the quantity of Arthav is less and on odd days the quantity of Arthav increases thus leading to birth of male or female child respectively. Now this is just correlating the quantity. Okay, that means we have to interpret when we will see, you know, linga nischiti or how the sex of the fetus is detected or judged or formed. According in that topic we will describe it elaborately. Now we will go for the Sushrutachari literature who has explained in Sharirsthan 3, 3rd chapter. Tatra stri punsayoho sanyoge tejaha sharirad vayu udirayati ityadi. To is shlok mein visheshtah Sushrutacharya hame panch mahabhut kaise sakriya hote hai aur unhi ka kaise role isme mahatvapurna hai wo samjhate hai. तो यहाँ पे वो प्रक्रिया लिखते हैं कॉपुलेशन या जब स्त्री पुरुष प्राकृत उनके सभी स्त्री बीज पुरुष बीज एवं गर्भाशय इत्यादि ठीक है तो उस अवस्था में स्त्री पुरुष समागम अगर करते हैं तो उससे क्या होता है वायु शरीर से तेज को प्रकट करती है शरीरात वायु उदर्यति ओके संयोगे तेजाह यानी स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है तो उसमें से ऊष्मा या तेज का प्रकट होता है और फिर वायु भी जो है वह प्रकट होती है फिर तेज और वायु के सहयोग से क्षरित हुआ शुक्र जो है योनि की ओर चला चला जाता है या चल देता है और आर्तव के साथ वहां मिलता है तत्पश्चात आर्तव रूपी जो अग्नि है और सोम रूपी जो शुक्र है उनका संयोग से उत्पन्न हुआ गर्भाशय जो गर्भ जो है वो गर्भाशय में आश्रित होता है तो ये संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पे बताई है
और इसमें एक चीज मैं आपको, गर्भाशय अनुप्रविश्यते अनुप्रतिपद्यते ऐसा जो शब्द आया है उसको समझाते हुए आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तत्व तो अग्निशोम संयोगा संसृज्यमानो गर्भाशयम अनुप्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्रष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुषा स्रष्टा गंता साक्षी धाता वक्ता। ये जो पर्याय है वह किसके है? जीवात्मा के है। तो वह जीवात्मा उस संयोग में प्रवेशित होता है, ठीक है, शुक्र शोणित के संयोग के ही वक्त, और फिर वहां गर्भ जो है गर्भाशय में आश्रय लेता है, ऐसे आचार्य कहते हैं। अभी इसको बीच बीच में हम अंग्रेजी स्लाइड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि केवल हम श्लोक अगर देखेंगे तो आपको विषय वस्तु शायद क्लिष्ट या समझ में ना आए, इसलिए और कुछ व्यावहारिक भी जो मार्गदर्शन है उसको हम बीच में देख रहे हैं। देखिए जो जन्मा हुआ या जो पल रहा गर्भाशय में बच्चा है या फीटस है, गर्भ है, उसमें मदर से बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वह अपने मदर और फादर होते हैं। और यहाँ पे का और ऐसे भी पुरुष बीच वहां पे भाग लेता है, सम्मिलित होता है। तो माता पिता के जो आहार विहार यानी आचरण ये रहेगा, वो गर्भ को प्रभावित करता है और उसमें वही गुण धर्म आते हैं। इसलिए खास करके कंसेप्शन के पहले पुरुष के लिए विशेषतः गाय का दूध, गाय का घी और चावल, ठीक है, भात राइस, ये प्रेफरेबल डाइट बताया है। जैसे घृत जो है विशेषतः पित्त अनिलहराणाम रसा शुक्र ओजसाम हितम, ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज है और इसलिए वह ओजोवर्धक है, वातहारक है और ओजकर है, ठीक है, शुक्रवर्धक भी है। तो दैट्स वाई टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सीमेन और वी कैन से स्पर्म, दैट घृत इज प्रेफरेबली रिकमेंडेड। ऑल दिस हैविंग मधुर रस एंड शीत वीर्य, दैट इज दी काउ मिल्क, काउ घी एंड राइस, दोज ऑल आर हैविंग मधुर रस एंड शीत वीर्य। सो प्रॉपर्टी विच प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ शुक्र धातु, स्पेशली शुक्र धातु सौष्ठव बनाने के लिए यह आहार मार्गदर्शन है। स्त्री ने कौन सा आहार लेना चाहिए? तो वहां पे उन्होंने खास करके तिल और माश यानी उड़द, ये दो पदार्थ जो है वो अपने सेवन में रखने चाहिए, आहार में रखने चाहिए। तिल क्यों, तिल किस लिए है? तो वह विशेषतः योनि विशोधन करने वाला है और इससे गर्भाशय की शुद्धि होके जहाँ पे गर्भ आश्रित होने वाला है उस रचनात्मक और क्रियात्मक उसके जो कार्य है वह अच्छे होते हैं। तो इसलिए माश कैसे हैं और उड़द के गुणधर्म क्या है? तो वह उष्ण वीर्यात्मक है। अब आपको पता ही है कि शुक्रम तु सौम्यम, इसलिए सौम्य गुणधर्म वाले आहार्य पदार्थ पुरुष के लिए है और तिल या माश ये पदार्थ जो है वह उष्ण गुणधर्म की होने के वजह से वो स्त्री का जो आर्तव है यानी स्त्री बीज है उसको उत्कृष्ट गुणधर्म बनाने वाला है, इसलिए यह रिकमेंडेड है। आगे उस स्त्री और पुरुष का जो विहार होना चाहिए वह भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ग्रंथकार बताए हैं सौ मनस्य एंड कल्याण कामना, ये भाव उसमें होने चाहिए दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में। तो दैट सी शुड रिमेन ऑफ पीसफुल माइंड एंड पॉजिटिव थॉट्स, रिलेटिव्स एंड हस्बैंड हैव टेंडर वर्ड्स एंड बिहेवियर विथ हर। तो बहुत सौम्यता से उस विशेषता स्त्री के साथ रहना है क्योंकि गर्भ का पोषण गर्भाधान उसी शरीर में होना है। अन्योन्य अभिकामता साइकोलॉजिकली इंटीमेसी ऑफ कपल शुड बी देयर एंड वेरी वेरी डेकोरेटिव एटमोस्फियर और एनवायरमेंट शुड बी देयर, सो इट विल क्रिएट द पॉजिटिव एंड हेल्दी माइंड स्टेट। सो व्हाइट कलर क्लॉथिंग इज ऑल्सो एडवाइज बिकॉज इट हैज अ यूनिक वाइब्रेशन स्पेशली स्पेशली ऑन द माइंड।
So this is basically the white color indicates the tranquility, pacification of and sattva guna. So that sattva guna will be helpful to pass on to the next progeny, that is in the garbha also. Now the time is recommended that an appropriate auspicious period of night that facilitate the garbhata. So that will be the relaxed mind state. Physically, the couple will be relaxed, as well as there will be the proper rest after the conception process. Okay. Now see, what is the clinical importance of all those things? The favorable external atmosphere or environment and the sound interpersonal relationship described in Ayurveda prove in dealing with even sexual dysfunction. So infertility के आपके क्लिनिक में जब केस आएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सौमनस्य वगैरह जो बातें बताई है आहार का मार्गदर्शन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्लिनिकल उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. फिजिकली और मेंटली इल मेल और फीमेल कैन नॉट बी नो फर्टाइल. सो दैट फिजिकली और मेंटली इल इलनेस शुड नॉट बी देयर, देन ओनली द कपल विल बी फर्टाइल, वी शुड से. ओके. सो ये जो सभी मार्गदर्शन हमें मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत उपयोग होता है. देखिए यहाँ पे जो हमने पहला सूत्र देखा योनिम अभिप्रति प्रतिपद्यते, तो ये गर्भाधान की विधि जो शुक्रोचार्य बताते हैं उसको हमारे ठीक से समझे तो ये फेनोमेना ऑफ कोइटस इसका वर्णन करता है. और आगे का भाग जो है वो शुक्रार्तव संयोग यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम और उसका गर्भाशय गमन वर्णन करता है. ठीक है. भाव प्रकाशकार जो है इसको कुछ विस्तार से बताते हैं और वहां पे वो ऋतौ स्त्री पुंसयोः योगे मकर ध्वज वेगताः इत्यादि पद्धति से प्रथम खंड में समझाते हैं. तो वहां पे वायु का जो रोल है तो वो हमें समझने की आवश्यकता है. मैथुन कर्म में यद्यपि पांचों इंद्रिया, ठीक है, पांचों इंद्रियार्थों पर काम करती है तथापि स्पर्श जो है वह त्वग इंद्र में यानी त्वचा में त्वग इंद्रिय में अधिक काम करती है. इसलिए मैथुन को स्पर्श सुख कहा है. इसलिए जब हमने एक श्लोक देखा था अगर आपको याद है कि शुक्र की अभिव्यक्ति कब होती है, तो शुक्र की अभिव्यक्ति होते ही वहां पे हमने शब्द देखा था. देखिए शुक्र प्रादुर्भाव काल, शुक्रोत्पत्ति का, तो वहां पे हमने, एक मिनट मैं आपको वो स्लाइड दिखा दूं तो आपको ध्यान में आएगा. एनीवे वो अभी ठीक से यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे जो रेफरेंस आपको बताना है. यानी संस्पर्शात प्रवर्तते ऐसा शास्त्रकारों का वहां पे शब्द था, तो वह मुझे आपको दिखाना था. यानी वो स्पर्श जो है वह पांचों ही इंद्रिया इस कर्म में कार्य करती है मैथुन कर्म में, और पांचों ही इंद्रियार्थों का सेवन होता रहता है. किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां में स्पर्श पर त्वग इंद्रिया अधिक काम करती है, इसलिए मैथुन को स्पर्श सुख भी कहते हैं. और वहां पे त्वचा में वायु की अधिकता जो है स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम ऐसा चरकाचार्य भी कहते हैं. इसलिए जब पुरुष शरीर का लिंग जो है योनि अभिसंघर्ष से वहां पे स्त्री के शरीर के संस्पर्श से वायु उत्तेजित होती है, तो नर्वस सिस्टम से अगर हम ये कोरिलेट करें तो वहां पे हमें ये ध्यान पे आता है कि उससे हम कोरिलेट करते हैं वहां पे जो नर्व्स होती है वह भी कार्यान्वित होती है. ठीक है, तो उसको और विस्तार से हम नहीं देखेंगे, आगे जाते हैं.
सुश्रुताचार्य रोल ऑफ त्रिदोष इन फीटल डेवलपमेंट कैसे बताते हैं? तो विशेषता है, यहाँ पे जो श्लोक आपके सामने रखा है, शुक्र शोणित तो संयोगे यो भवे दोष उत्कटाः प्रकृति जायते तेन तस्यामे लक्षणम श्रुणुः। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि प्रकृति कब उत्पन्न होती है। प्रकृति यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे किसी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसके रैम कितने हैं, उसके हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फंक्शन है, कौन से वर्जन का वो है, ये जैसे तय होता है, वैसे ही मनुष्य शरीर का भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसको हम जीनोम के साथ भी, आधुनिक शास्त्र की जो जीनोम संकल्पना है उसके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जीनोम कंसेप्ट आयुर्वेद में प्रकृति से हम कोरिलेट करते हैं। तो प्रकृति जो है वो स्वभाव है और वो निष्प्रतिक्रिया, वो बदलता नहीं है, हमेशा रहता है। लेकिन ये प्रकृति बनती कब है? तो शुक्र और शोणित के संयोग के वक्त ही वह प्रकृति बनती है। तो विशेषतः यहाँ पे जो बताया है कि शुक्र और शोणित के संयोग से जो दोष प्रबल होता है उसी से उस व्यक्ति की, यानी जो गर्भ होता है, उसकी प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी मैं लक्षणम श्रुणु, उसके हम लक्षण में, यानी मुझसे आप वो लक्षण सुनो, ऐसे ग्रंथकार सुश्रुताचार्य बताते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है, शुक्र शोणित के संयोग के वक्त जो दोष उत्कट, उत्कट शब्द का अर्थ रहता है अधिक्य या प्रबल। ठीक है, और उन्हीं से फिर वो सात प्रकृतियां बनती है। यह जो है वो दोषज प्रकृति है, या इसे देह प्रकृति भी कहते हैं, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, और द्विदोषज जो है वो वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। देखिए यहाँ पे एक दोष का भी प्राबल्य हो सकता है, यो भवे दोष उत्कटाः, यानी एक दोष का भी प्रधानता हो सकती है, प्राबल्य हो सकता है, या दो दोष का भी प्राबल्य हो सकता है, और तीसरी जो प्रकृति है सप्तम, वह है सान्निपातिक या त्रिदोषज, या इसे सम प्रकृति भी कहते हैं। तो एक दोष का भी अधिक्य हो सकता है, दो दोषों का अधिक्य हो सकता है, या तीन दोष भी समान मात्रा में हो सकते हैं। तो यहाँ पे सुश्रुताचार्य जो है वह प्रकृति का इस प्रकार बताते। तो दोषों का कार्यान्वयन जो है, देखिए शुक्र और शोणित जो है, यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज, ये माता पिता के शरीर घटक है। इसलिए माता पिता के शरीर घटकों में से आने वाले जो त्रिदोष है वही उस स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए आयुर्वेद में सुप्रजा निर्मिति के लिए, या संतति उत्पत्ति से पहले, उस कंसेप्शन से पहले, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, यानी माता और पिता दोनों ने पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि करना आवश्यक हो जाता है। और उससे क्या होता है, तात्कालिक कुछ समय के लिए जो है दोषों की स्थिति समत्व को हम ला सकते हैं कुछ काल के लिए। और उस समय अगर कंसेप्शन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए ओवम का, तो ऐसे स्थिति में जो नेक्स्ट प्रोजनी है, वह आने वाला जो बालक रहेगा, वह माता पिता के जो अनुवंशिक कुछ उसके दोष होंगे उसको कैरी करने की संभावना बहुत कम होती है, और अच्छे से अच्छे गुण जो है तो उसमें हमें आदान, हम गुणों का कर सकते हैं उस आने वाली संतति में। तो यह आयुर्वेद की विचारधारा है और वह शास्त्र परक है, और उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। तो जाते हैं आगे की ओर, चरक विमान स्थान का रेफरेंस देखते हैं। एतानि ही एन एन दोषान अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेन गर्भो अनुबध्यते ततः सासा दोष प्रकृति ही उच्यते मनुष्याणां गर्भादि प्रवृत्ता। तो विमान स्थान आठवें अध्याय में जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस व्यक्ति के या उस आने वाले बच्चे के, वह होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट ऑफ दोष व्हेन द शुक्र एंड शोणित विल यूनाइट। ओके, तो यही होता है कि माता पिता के जो
दोषों का प्राबल्य रहेगा वही अपने संतति को प्रभावित करेगा। इसलिए आयुर्वेदोक्त शरीर शुद्धि जो है पंचकर्म द्वारा वह आवश्यक हो जाती है। हेमाद्रि टीकाकार जो है वह बताते हैं, देह जन्माख्यम दोष कार्यम आह शुक्रावस्था ही इति, क्योंकि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में शुक्रावस्था ही जन्मादव ये जो श्लोक आता है उसमें टीका करते वक्त वो बताते हैं, व्याख्या करते वक्त बताते हैं कि द त्रिदोषा प्रेजेंट इन शुक्र एंड आर्तव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गर्भ। तो देखिए दोष जो है वह गर्भ की निर्मिति वक्त से हमारे साथ रहते हैं और इसीलिए क्रियात्मक घटक के तौर पे उसको हम आयुर्वेद शास्त्र ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है, त्रिदोष सिद्धांत। वी योनि विकृताकारा जायन्ते विकृत ही मले ही। तो अष्टांग हृदयकार बताते हैं अगर त्रिदोष दूषित होते हैं तो वह शरीर में यानी गर्भ शरीर में अबनॉर्मलिटीज यानी विकृति पैदा करेंगे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्भ की प्राकृत स्थिति या स्वस्थावस्था या कंजनाइटल अनोमल ये दोनों निर्भर है त्रिदोषों की स्थिति पर, ठीक है। और इसलिए हमें अगर गर्भ का स्वास्थ्य चाहिए, गर्भ में किसी प्रकार की विकृति नहीं चाहिए, तो हमें त्रिदोषों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आगे जाते हैं, पंचमहाभूतों की भूमिका क्या रहती है गर्भ के विकास में, फीटल डेवलपमेंट। तो वो चरक सारे स्थान चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक देखते हैं हम। तो सबसे पहले गर्भस्तु खलु अंतरिक्ष वायु अग्नि तोय भूमि विकार चेतना अधिष्ठान भूता। तो गर्भ के विषय में हमने ये श्लोक पहले देख चुके हैं इसी गर्भ शारीर व्याख्यान श्रृंखला में। तो गर्भ जो है वो एकत्रित क्रिया है किनकी, पांच महाभूतों की, ठीक है। और यही पांच महाभूत जो है वो आश्रय प्रदान करते हैं जीवात्मा को, ठीक है, चेतना अधिष्ठान भूता। तो गर्भ जो है खलु यानी बिल्कुल सत्य है यह कि अंतरिक्ष यानी आकाश, वायु, तेज, तो ये यानी आप, भूमि यानी पृथ्वी, इन पांच महाभूतों का विकार स्वरूप गर्भ है और यह पांच महाभूत चेतना यानी जीवात्मा के अधिष्ठान भी होते हैं, ठीक है। तो आगे जाते हैं, गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि मातृ सॉरी माता पितृ संभवानि आहारजानि आत्म प्रकृतानि चैव सर्वस्य सर्वणि भवन्ति देहे। तो देर आर फोर सेट ऑफ पंच महाभूता ओके इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गर्भ चतुर्विधानि भूतानि, ठीक है। फर्स्ट सेट इज फ्रॉम शुक्र, सेकंड सेट इज फ्रॉम आर्तव। देखिए क्योंकि पुरुष के पंच महाभूत शुक्र में रहेंगे, पुरुष शरीर के, स्त्री शरीर के आर्तव में रहेंगे। सेकंड सेट विल बी फ्रॉम आर्तव, द थर्ड विल बी फ्रॉम आत्मा, यानी जीवात्मा में भी सूक्ष्म रूप से वह महाभूत रहने वाले हैं। और फोर्थ सेट वो रहेगा आहार में, क्योंकि हम जब गर्भ का पोषण देखेंगे आपको वहां पे आहार ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नटशेल में आप समझ सकते हो कि गर्भ जो है वो पराश्रित होता है, माता पे आश्रित होता है, परजीवी होता है। तो माता जो खाना पीना ले रही है वही गर्भ का पोषण करने वाला है, इसलिए चौथा सेट जो है वह आहार से है माता के। तो ये चार प्रकार के या चार जगहों से आने वाले जो महाभूत के अंश है वह शुक्र आर्तव आत्मा आहार, ठीक है, इनमें सम्मिलित है एक्सेप्ट आकाश ओके बिकॉज आकाश यू मे से नाउ हियर इन चरक सारे स्थान फोर्थ चैप्टर इट वाज सेइंग अंतरिक्ष वाज देयर एंड नाउ हियर दे आर ओनली एक्सप्लेनिंग अबाउट ओनली चतुर्विध। इट्स नॉट लाइक दैट, आकाश इज ऑमनी प्रेजेंट मीन्स वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, इसलिए आकाश महाभूत वहां पे उपस्थित रहता ही है, ठीक है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान प्रथम अध्याय का श्लोक देख लेते हैं, बीजात्मक ही महाभूत ही सूक्ष्म सत्वागुणश्च यहाँ सॉरी सह मातुश्च आहार रसजय ही क्रमात् कुक्षौ विवर्धते। तो यहाँ पे वाग्भटाचार्य हमें समझाते हैं
खास करके वह बताते हैं कि द सप्तल महाभूत प्रेजेंट विद द बीजा दैट इज स्त्री बीज एंड पुरुष बीज अलॉन्ग विद आत्मा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आहार रस फ्रॉम मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्भा। तो बीज रूप में वाग्भटाचार्य जी भी वही बात बता रहे हैं जो चरकाचार्य कहते हैं, लेकिन वो अल्प शब्दों में बताते हैं कि महाभूत बीज स्वरूप रहते हैं, सूक्ष्म स्वरूप रहते हैं, इसमें स्त्री बीज और पुरुष बीज में, और सत्वानुगैश्च साहा, तो वही जो है वो जीवात्मा भी रहते हैं, जीवात्मा भी रहते हैं, और माता के आहार रस से उसको क्रमा यानी क्रम से उसका उपक्षव विवर्धते यानी गर्भाशय में उसका वर्धन यानी डेवलपमेंट होता रहता है। सुश्रुत शरीर स्थान चौथे अध्याय में गर्भस्तु खलु रस निमित्ता मारुत आद्भान निमित्ता च परिवृद्धि ही भवति। तो यहाँ पे विशेषतः दो घटक अधिक महत्वपूर्ण चौथे अध्याय में सुश्रुताचार्य बताते हैं, वह है आहार रस और मारुत आद्भान यानी इन्फ्लेशन ऑफ वायु और इन्फ्लेमेशन सॉरी इन्फ्लेशन बाय वायु महाभूत। तो इसको हम कैसे समझे? तो सच पूछिए तो गर्भ की परिवृद्धि जो है वो माता के आहार रस के कारण होती है और वायु के आधमान के कारण होती है, ये शब्दशः उसका ट्रांसलेशन है। यहाँ पे हमने समझना चाहिए कि गर्भ की नाभि जो है उसके भीतर अग्नि का स्थान निश्चय से होता है और वायु अग्नि को प्रद्युम्न से प्रदीप्त करती रहती है जिससे शरीर परिवर्धित होता है। तो इससे आगे का जो श्लोक है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई रहा, तो उसका श्लोक का मैं आपको पंक्ति सुना दूं। तस्य अंतरेण नाभेस्तु ज्योतिस्थानं ध्रुवं स्मृतं तद आधमति वातस्तु देहात् तेन अस्य वर्धते। तो यहाँ पे वायु आधमान करता है इसका मतलब क्या है? तो वह परिधमन करता है या प्रद्युम्न करता है यानी फूंकता है। देखिए अपेक्षित यह है कि गर्भनाभि नाड़ी से वहां पे आएगा अम्बिलिकल कॉर्ड से गर्भ के अम्बिलिकस तक और वहां गर्भ का अग्नि स्थान है नाभि स्थान और उस स्थान में वायु जो है प्रद्युम्न जैसे समानो अग्नि समीपस्थाः कि समान वायु में नहीं यानी बड़े शरीर में भी वहां पे समान वायु जो है अग्नि सखा है। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पे है कि विशेषतः दो घटक यहाँ पे प्रधान बताए हैं, आहार रस से उसका पोषण होता है गर्भ का इसलिए, और मारुत जो है वह इन्फ्लेशन या प्रद्युम्न करता है अग्नि को प्रज्वलित रखता है उसको सहकार्य करता है सहयोग करता है और इससे गर्भ की परिवृद्धि ही भवति। परिवृद्धि का अर्थ है परि यानी सब ओर से उसका साइमल्टेनियस उसके डेवलपमेंट होती रहती है ऐसा उसका अर्थ है। ठीक है, तो और कुछ यहाँ पे देखिए पंच महाभूत का जो फर्टिलाइजेशन में रोल है वो यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें। द तेज और एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉइटस एक्टिवेटेड वायु विच लीड्स टू इजैकुलेशन ऑफ शुक्र इनटू योनि विच आफ्टर एंटरिंग इनटू यूटेरस बाय रनिंग थ्रू आवर्तास ऑफ योनि। ओके, थर्ड आवर्त तृतीय आवर्त जो है वो गर्भाशय है गेट्स मिक्स विथ आर्तवा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन होता है एंड नाउ दस फॉर्म गर्भा विद द यूनियन ऑफ अग्नि एंड सोमा गेट स्टेबलाइज इन यूटेरस। तो ये संपूर्ण वहां पे ये प्रक्रिया है पहले पैरा में पहले बिंदु में। तो ये जो मैथुन कर्म होता है वहां पे पंच महाभूतों की कैसी व्यक्ति होती है या रोल होता है, दूसरे में अग्नि और सोम रूपी जो स्त्री बीज और पुरुष बीज है उनका यूनियन होता है और गर्भ स्थापना होती है, और फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म विथ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम टू प्रोड्यूस न्यू सेल ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड देयर जाइगोट। ठीक है, जिसे हम थ्रू चेन ऑफ इवेंट्स इट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट दैट इज द फैलोपियन ट्यूब एंड इंटरप्शन ऑफ एनी इवेंट विल कॉज द फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन।
तो ये महाभूतों का जो रोल है उसको समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आगे जाते हैं, सुश्रुतचार्य स्थान में महाभूतों का एक विशिष्ट प्रकार का और रोल समझाते हैं सुश्रुताचार्य। तो वह तम चेतना स्थितम वायुर्विभजति, तेजः एनं पचयति, आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी संहन्ति, आकाशं विवर्धयति, एवं विवर्धिताः स यदा हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि भी, यानी अनेक वचन है, अंगै ही उपये उपेतः तद शरीरम तदा शरीर इति संज्ञा लभते। तो उस गर्भ को शरीर संज्ञा कब प्राप्त होती है वह सुश्रुताचार्य हमें 5वें अध्याय में समझाते हैं। तो संपूर्ण वहां पे वह प्रक्रिया एक प्रकार की हमें बता देते हैं कि कौन सा वायु महाभूत कौन सी भूमि का वहां पे रोल जो है उसका वह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। तो ईच पंचमभूता हैव देयर ओन फंक्शन। तो वाद क्या करता है, विभाजन का कार्य करता है, यानी डिवीजन का, यानी जायगोट से फिर वो दो पेशियां होगी, फिर चार पेशियां होगी, फिर आठ पेशियां होगी। ये जो एम्ब्रियोलॉजी में हम सीखते हैं वो आप यहाँ पे समझे। तो ये विभाजन कर्म जो है वह डिवीजन जो है वह वायु महाभूत करता है। अग्नि क्या करता है, तेजः एनं पचति, पचन जो है यहाँ पे मैच्योरिटी ऐसे उसका ट्रांसलेशन किया गया। देखिए परिणमन ये केवल और केवल अग्नि महाभूत के वजह से ही होना है। एक जो स्त्री बीज और पुरुष बीज की पेशियां एकत्रित हो जाती है और एक दूसरे में वो सम्मिलित हो जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या परिणमन जो है वो अग्नि महाभूत के सिवा संभव नहीं है। ठीक है, आपाह क्लेदयन्ति, तो जल महाभूत का रोल जो है वहां पे मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। पृथ्वी संहन्ति, पृथ्वी का रोल जो है वहां पे स्टेबिलिटी स्थिरता प्रदान करना है। और आकाशम विवर्धयति, आकाश जो है वो ग्रोथ यानी गर्भ का विकास या विवर्धन करने के लिए रोल अदा करेगा। तो यही बात हमें सुश्रुताचार्य बिल्कुल पंचमहाभूत का रोल क्या है ये आपको ऐसे क्यों आ सकता है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में देख रहे हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप समझ सकते हो और आशा है कि आप सभी को ये बात विषय वस्तु जो है समझ में आ रही है। आपको अगर कुछ शंकाएं हैं आशंकाएं हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको लेक्चर के अंत में हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे चरकाचार्य का रेफरेंस जो है, मातृजादयो अपि अस्य महाभूत विकारा एव, ऐसा श्लोक आया है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इवन दो इट इज थॉट दैट द बॉडी पार्ट्स आर फॉर्म बाय द मातृजादि सिक्स भाव, हम आगे देखने वाले हैं मातृज पितृज सत्वज सात्म्यज रसज इत्यादि 6 भाव हम देखने वाले, लेकिन दे आर इसेंशियली मेड अप ऑफ पंच महाभूता। मूलतः वो जो बने हुए होते हैं वो महाभूतों से ही बने होते हैं, क्योंकि हम श्लोक भी इससे पहले हम एक सिद्धांत पंच महाभूतात्मकम तत्तु क्ष्मामधिष्ठाय जायते ऐसा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में हम देख चुके हैं कि यह सृष्टि सजीव हो या निर्जीव हो वह सभी पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुई है। और इसलिए ये जो मातृजादि 6 भाव है वह भी महाभूत के ही विकार है। और इसलिए नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट डिवॉइड ऑफ पंच महाभूत। तो पंच महाभूत जो है तो वहां पे होने ही होने हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, अंतरिक्ष से कौन से अवयव उत्पन्न होते हैं, अंग उत्पन्न होते हैं, वायव्य से क्या होता है, तेजस महाभूत से क्या होता है, आप्य से क्या होता है, पार्थिव से क्या होता है, यह हमें सुश्रुतचार्य स्थान प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है, आपको आगे टेबल में समझाया है। तो इस टेबल को आप बहुत गौर से देखें तो यह हमें सुश्रुतचार्य स्थान प्रथम अध्याय में मिलता है 19वें श्लोक। देखिए
श्लोकों की संख्या के पास किसी ग्रंथ का जो वर्जन रहेगा उसमें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अध्याय का रेफरेंस जो है वह महत्वपूर्ण है यहाँ। ठीक है, तो इस कोष्टक को या टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो वह टेबल हमें समझाता है पंच महाभूतों का रोल किस प्रकार से है। तो सभी पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में यह श्लोक है। पंच महाभूत जो शरीरों में क्या क्या रोल शरीर के उत्पत्ति में प्रदान करते हैं उसके बारे में ये मार्गदर्शन हमें सुश्रुताचार्य यहाँ पे करते हैं बहुत विस्तार से। आंतरिक्षास्तु शब्दाः शब्देन्द्रियम् सर्वच्छिद्र समूहो विविक्तता च वायव्यास्तु सो एंड सो। तो 19वां या 20वां श्लोक आपके वर्जन में मिलेगा सुश्रुत संहिता चार्य स्थान प्रथम अध्याय। तो आंतरिक्ष क्या है? तो शब्द विषय है, शब्देन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, शब्देन्द्रिय को भी हम क्या कहते हैं, वागिंद्रिय भी कहते हैं। सर्व छिद्र यानी शरीर में जो भी बिल्कुल सूक्ष्म कैविटियां है या स्रोतस है वह सभी जो है वह सर्व छिद्र आकाश महाभूत की वजह से है। वह नासा की नेजल कैविटीज है, आमाशय में होने वाली कैविटी है, ठीक है, या फिर और कहीं जैसे गर्भाशय है या ब्लैडर है, ये सभी कैविटीज जो है वो आकाश महाभूत की वजह से है। और उसका फंक्शन बताया है विविक्तता च। तो विविक्तता यानी क्या है, कॉज ऑफ सेपरेशन। जहां जहां भी सेपरेशन होता है वह आकाश महाभूत की वजह से है। अब वायवीय द्रव्य या वायु महाभूत शरीर में क्या कार्य करता है? तो स्पर्श विषय प्रदान करता है, स्पर्शनेन्द्रिय में प्रधानता से रहता है, सर्व चेष्टा जो है वॉलेंट्री मूवमेंट्स है इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो सभी को वायु महाभूत के द्वारा होती रहती है। शरीर स्पंदन सर्व प्रकार के जो मूवमेंट्स है जैसे अभी हमने बताया एक्शन हो या मूवमेंट हो वो सभी वायु महाभूत से ही होता है। वो संधियों की हलचल हो, वो हार्ट पंपिंग हो, ठीक है, या न्यूरॉन से सेंसरी या मोटर न्यूरॉन में जो आवागमन रहता है संवेदना का वह सभी वायु महाभूत से ही है। वो शरीर को लघुता प्रदान करता है। तो सुश्रुताचार्य जी कहते हैं वायव्यास्तु स्पर्शाः स्पर्शनेन्द्रियम् सर्वचेष्टा समूहा सर्व शरीर स्पंदनम लघुता च। शरीर को वह लघुता प्रदान करता है। तीसरा महाभूत है तेजस या तेज महाभूत अग्नि महाभूत। वह रूप विषय में विद्यमान है, रूपेंद्रिय जिसे चक्षुरेंद्रिय भी आईज ठीक है उसमें भी रहता है, वर्ण उत्पादन करता है यानी जो भी हमें पिगमेंटेशन वो कलर जो हमें त्वचा को टेक्सचर प्राप्त होता है वह केवल और केवल अग्नि महाभूत से होता है। शरीर का जो संताप है यानी उष्मा जो है वह अग्नि महाभूत से होता है। भ्राजिष्णुता दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्शन यह भी कर्म जो है वो तेज महाभूत से ही होता है। डाइजेशन ये स्थूल पचन हो या सूक्ष्म पचन हो वह तेज महाभूत से होता है। और एंगर क्विकनेस करेज ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वो तेज महाभूत से ही होती है। चौथा महाभूत होता है आप्य या आप महाभूत जल महाभूत। उससे शरीर में क्या होता है, रस विषय होता है, उससे ही रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और वह क्या है, शरीर में सर्वद्रव्य समूह है, ऑल लिक्विड मटेरियल इनसाइड बॉडी लाइक रस धातु रक्त धातु ठीक है, जहां जहां भी वहन होता है ऐसे उपधातु भी जैसे स्तन्य है आर्तव है उसमें भी आपकी प्रधानता होती है। ठीक है, गुरुता शरीर में हेवीनेस जो है वो आप महाभूत से है, वो दो नंबर में है, प्रथम नंबर में पृथ्वी महाभूत है। कोल्डनेस है या शरीर में स्निग्धता है और विशेषतः गैमेट्स यानी रेत शुक्र जो है वह आप्य भाव बताया है सुश्रुताचार्य जी। पार्थिव महाभूत गंध विषय के स्वरूप में ज्ञानेन्द्रिय और विशेषतः स्वर्वमूर्त समूह एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज फॉर्म शेप एंड साइज दैट इज बेसिकली अ डोमिनेंस ऑफ पृथ्वी महाभूत फॉर्म ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पृथ्वी महाभूत। पार्थिव प्रधान वो सब घटक है और शरीर को गुरुता प्रदान करता है। इस प्रकार से पार्थिवा तु गंधो गंधेन्द्रियम सर्वमूर्त समूहो गुरुता च इति। इस प्रकार से हमें सुश्रुताचार्य पंचमहाभूतों का रोल जो है
वह विस्तार से बताते हैं। अभी सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, वह है बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। अभी यहाँ पे इसको ही आगे जाके ये अनुवंशिकी सिद्धांत में भी परावर्तित होता है। चरक चार स्थान तीसरा रेफरेंस ये सबसे नीचे जो है, तो अनुवंशिकी सिद्धांत जो है इसमें ही हम स्पष्ट करेंगे। तो बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव क्या है, तो समझने के लिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ क्रोमोसोम्स के साथ। देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम्स के जो 23 पेयर्स रहते हैं मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, 23rd जो है वही एक्स एक्स और एक्स वाई डिफर करता है, बाकी जो 22 है वो बिल्कुल सेम होते हैं स्त्री शरीर और पुरुष शरीर। तो यह कल्पना सॉरी यह सिद्धांत जो है हम आयुर्वेद की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव, देखिए बीज बड़ा है उससे छोटा बीज भाग है, बीज भाग का जो फ्रैक्शन रहेगा वो बीज भाग अवयव है, ऐसे आप जानिए इसको, ठीक है। तो ये सभी जो तैयार होता है या ये जो घटक है ये ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा, इसीलिए मैंने बताया कि एक अनुवंशिकी सिद्धांत अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बीज भाग अवयव इसको ही आपको डिस्क्राइब करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में से एक है, तो बीज इति शुक्र शोणिते, बीज शब्द से आपने क्या जानना है, स्त्री बीज और पुरुष बीज, पुरुष बीज को शुक्र कहा है और स्त्री बीज को शोणित कहा है। तो चक्रपाणि दत्त इसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, तो वह बताते हैं कि बीजस्य अंग प्रत्यंग निर्वर्तको भागो बीज भागा, तो द वर्ड बीज रेफर टू शुक्र एंड शोणित, दैट बीज कंटेन्स द फैक्टर्स फ्रॉम विच द फ्यूचर माइनर और मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर गोइंग टू डेवलप, दैट इज नोन एज बीज भाग। यानी उस आपको स्पर्म को देखेंगे या ओवम को देखेंगे तो आपको उसमें हाथ पैर नाक कान नहीं दिखने वाला, लेकिन उसमें ऐसे कंटेंट होते हैं कि उसी से आगे जाके बीज भाग जिसे कहा है चरकाचार्य जी ने, चक्रपाणि दत्त उसको समझा रहे हैं, तो वह अंग प्रत्यंग उसमें से ही डेवलप होते हैं आगे जाके, ठीक है। और माइन्यूट पार्ट्स ऑफ बीज भाग आर नोन एज बीज भाग अवयव, और उसका भी जो और सूक्ष्मतम भाग होगा उसको बीज भाग अवयव कहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक उदाहरण दे दूं, ठीक है। तो समझे एक बीज, जो वृक्ष का बीज होता है, तो उसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट हमारे गुरुजी से सुना है, वही आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद किया नहीं है। तो उस बीज भाग जो है सॉरी बीज जो है सीड जो है वह किसी वनस्पति का था, ठीक है, और उस वनस्पति के अंबुमन हमेशा लीव्स जो रहते हैं वहां कहीं कटे नहीं होते, एक संद गोलाकार होते हैं, ठीक है, या दंतुरे नहीं होते, उसको छेद नहीं होते किधर भी, यानी एजेस में लीव्स के या पर्ण के। लेकिन क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए वो सीड जो है उसी वनस्पति का एक ओर से घिसा गया, ठीक है, और उस घिसा हुआ थोड़ा बिल्कुल थोड़ा डैमेज नहीं किया उसको, थोड़ा ही घिसा, और फिर उस बीज को लगा दिया, उसका रोपण कर दिया। तो जब उस बीज जो पनप उठा, ठीक है, सॉइल में से उसके अंकुर आए, फिर उसका वनस्पति वो जो है बड़ी होने लगी, और बड़ी होने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमेशा यानी दूसरा जो प्लांट है उसके लीव जो है बिल्कुल कटे हुए या दंतुरे नहीं थे, लेकिन ये जो घिसा हुआ बीज था उसके उस प्लांट के उस वनस्पति के जो सारे पत्ते थे उस वनस्पति के वो एक जगह से ऐसे कटे हुए थे बिल्कुल समान पद्धति से, हर एक पत्ता था तो वहां से ऐसे कटा हुआ उसको छेद था एक दो जगह पे, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि जो घिसा हुआ भाग था वह बीज भाग था पत्ते का, और इसीलिए वो घिसने से उस वनस्पति में भी उसकी अभिव्यक्ति हुई कि वहां का बीज भाग
घिसा होने की वजह से वह पत्ता जो है वो कटा हुआ पैदा हुआ, हर कोई पत्ता जो है उस वनस्पति का, हालांकि उस स्पेसिस में कटा हुआ पत्ता बिल्कुल नहीं होता। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मनुष्य बीजम ही प्रत्यंग बीज भाग समुदायात्मकम स्वसदृश प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष जनकम। मनुष्य बीज जो है वह कैसे है, बीज भाग का कलेक्शन है, विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन द सबटल फॉर्म, दैट इज सूक्ष्म रूप से बीज भाग उस बीज में समाविष्ट होते ही है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मनुष्य दैट इज द ह्यूमन विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स। जो बीज भाग में कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, फीचर्स रहेंगे, उसकी ही व्यक्ति उस गर्भ में होनी है, और गर्भ के बाद उसकी प्रसूति के बाद गर्भ जब बाहर आएगा तो उसको हम बालक कहेंगे। उस बालक में भी और उसके शरीर का विकास होगा, वही यानी बालक से फिर कुमार होगा, कुमार से वयस्क होगा, तो उसी को वैसे ही सभी गुण धर्म मिलने वाले हैं उस बीज भाग से। और बीज भाग का भी भाग क्या है, बीज भाग अवयव है, ठीक है। तो आगे वह उपतप्त सिद्धांत बताते हैं, आनुवंशिकी सिद्धांत है, और इसमें कंजेनाइटल एनोमलीज कैसे डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बीज घिसे हुए बीज का उदाहरण हुआ वो आप देखिए, वो उदाहरण वहां पे चरकाचार्य जी नहीं दे रहे थे लेकिन आप समझ सकते हो। यस्य यस्य ही अंगावयवस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य ही अंगावयवस्य विकृति ही उपजायते न उपजायते च अनुपतापात्। तो इफ द पार्ट ऑफ द बीज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अंगा दैट इज द रीजन और द बॉडी पार्ट और द ऑर्गन और अवयव दैट इज द ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ ऑर्गन इज अवयव, ओके, दिस विल रिजल्ट इन द विशिएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव अंग और रीजन और अवयव। इफ इट इज नॉट विशिएटेड, वह अगर विकृत नहीं है, प्राकृत है, तो देयर विल बी नो विशिएशन ऑफ रिस्पेक्टिव अंगा और अंगावयव, ओके। अगर उसका बीज भाग विकृत नहीं है, हेल्दी सीड है, पूरा का पूरा बीज वैसे के वैसे है, तो वह बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक अपने जैसे पैदा करेगा आगे जाके नेक्स्ट प्रोजेनी में। अगर कोई घिसा हुआ, जैसे मैंने पार्ट बताया, ऐसा है, विशिएटेड है, दूषित है, तो वह दूषित जो है उसके नेक्स्ट प्रोजेनी में आपको व्यक्त स्वरूप में दिखेगी। आगे ये जो चैप्टर आता है हमारे सिलेबस में है लिंग भेद। हम इस टॉपिक को शुरू करने से ही पहले बता दूं, बहुत बाबा रामदेव से लेके बहुत विद्वान, ये महाराष्ट्र के बालाजी तांबे बोल के भी है, ये सभी लोग इसके ऊपर, और एक प्रवचनकार है जिसको इंदौरीकर महाराज नाम से वो प्रसिद्ध है, वो भी इसके ऊपर चर्चा करके फंस गए थे। लेकिन देखिए हम ये शास्त्रीय व्याख्यान ले रहे हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित विषय है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लिटरेचर में जैसे लिखा है, हम किसी सिर्फ पुरुष शरीर या केवल मेल चाइल्ड का प्रमोशन यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। जाते हैं विषय वस्तु की ओर, दे आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फीटस, वो एक ही केवल भाव नहीं है, तो उसमें अनेक भाव समाविष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 भाव बताए हैं, देखिए। तो जो लिंग निश्चिति होगी वह लगभग दूसरे मास से शुरू होते हुए वो चालू होके तीसरे मास तक लगभग होती, तो बेस ऑन शुक्र एंड आर्तव बाहुल्य, यानी पहला जो लिंग निश्चिति का एक शास्त्रार्थ बताया है वो बाहुल्य के ऊपर, शुक्र का बाहुल्य है। संतति होगी और स्त्री का बाहुल्य है स्त्री, ठीक है। मैथुन समय यानी माता पिता संतति उत्पत्ति के लिए एकत्रित आते हैं, फिर विसर्ग होता है या आर्तव अधिक उसका विसर्ग होता है, तो उसके ऊपर भी लिंग निश्चिति होती है। चौथा घटक है आहार विहार जो गर्भिणी का होता है, उससे हम कौन सा लिंग होगा इसका अनुमान कर सकते हैं, यानी कौन सी इच्छा प्रकट होती है गर्भिणी के द्वारा, माता के द्वारा, ठीक है, उसको माता नहीं कहेंगे, गर्भिणी ही कहना उचित होगा। वीर्योत्सर्ग जो है नाड़ी के द्वारा किस प्रकार का होता है, उसके ऊपर भी लिंग निश्चिति या हम कर सकते हैं।
और बेस ऑन पुंसवन। तो पुंसवन विधि जो शास्त्र में बताई है उसके अनुसार भी लिंग भेद या लिंग निश्चिति जो है वो आयुर्वेद डॉक्टर कर सकता है। आगे जाते हैं, पहला घटक है शुक्रार्तव बाहुल्य। हालांकि अपने सिलेबस में ये पॉइंट होने की वजह से ये 5 मार्क से लेके 3 मार्क के ऐसे ऐसे क्यों सेपरेटली भी आ सकता है या जॉइंटली पूछे स्ट्रक्चरल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसमें भी ये समाविष्ट हो सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। पहला है शुक्रार्तव बाहुल्य, तो रेफरेंस के साथ देखेंगे हम। सुश्रुत चरितार्थ में बताते हैं, तत्र शुक्र बाहुल्यात् पुमान, आर्तव बाहुल्यात् स्त्री, साम्याद उभयो नपुंसकम् इति। तो यहाँ पे सुश्रुताचार्य बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कौन सा बाहुल्य रहेगा। तो ये बाहुल्य जो है वो क्वालिटेटिव है, इसको समझना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी तो हमें हमने शुक्र का अध्ययन करते हुए देखा था, फॉलिकल भी लगभग एक ही होता है, हम समय जो मैच्योर ओवम आता है तो वह एक ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी समझनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी के लिए बाहुल्य यहाँ पे, तो अच्छी क्वालिटी वाले शुक्र देते हैं और फिर एकत्रित देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्टतया चरकाचार्य लिखते हैं, रक्तेन रक्तेन कन्याम अधिकेन पुत्रम शुक्रेन तेन द्विविध कृतेन, बीजेन कन्याम च सूते यथास्व बीज बीजानि इतर अधिकेन। सॉरी, एक फोन आया था इसलिए डिस्टरबेंस हुआ। अतएव च शुक्रस्य बाहुल्यात् जायते पुमान रक्तस्य स्त्री तयो साम्ये क्लिबाः। तो क्लिब का उल्लेख जो है वह सुश्रुताचार्य जी करते हैं और वाग्भटाचार्य जी भी कहते हैं। क्या है तो सुश्रुत चरितार्थ तीसरे अध्याय में जो रेफरेंस दिए के, इसको वो अधिक यहाँ पे स्ट्रेस करते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है एकत्रित आएंगे, तो जो स्थिति बनेगी उसको वो अधोरेखित करते हैं यहाँ पे तत्र शुक्र बाहुल्यात इत्यादि से। तो वहां पे विशेषतः क्वालिटेटिव डोमिनेंस जो है शुक्र धातु का उसको समझना है, और वह फिर क्वालिटेटिव डोमिनेंस मेल चाइल्ड में परावर्तित होगा, और क्वालिटेटिव डोमिनेंस अगर आर्तव का रहता है तो वो फीमेल चाइल्ड में परावर्तित होगा। ठीक है, अगर दोनों जो है वो संयुक्त होते हैं, समसमान होते हैं, तो नपुंसक यानी हर्मोफ्रोडाइट जो चाइल्ड है, गर्भ जो है वह उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। बेस ऑन मैथुन काल जो दूसरा घटक है, तो मैथुन काल के ऊपर कैसे मैथुन काल प्रभावित करता है लिंग के ऊपर वो देखेंगे। तो यहाँ पे चतुर्थ्याम षष्ठीम अष्टम्याम दशम्याम द्वादश्याम च उपेयात इति पुत्र कामाः, अतः परम पंचम्याम सप्तम्याम नवम्याम एकादश्याम च स्त्री कामाः त्रयोदशे प्रभृतयो निंद्या। त्रयोदशी 13वां दिवस जो है वह निंद्य कहा है। ठीक है, तो इफ द कंसेप्शन और कॉपुलेशन मैथुन कर्म जो है वह अगर सम दिन पे तारीख पे होता है, वह चौथे छठे आठवें दसवें या 12वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो वह पुत्र संतति उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे सिमिलरली इफ दैट मैथुन कर्म हैपेंस ऑन द इवन डेज, ओके सॉरी ऑड डेज, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर्टिकुलरली ऑन द थर्ड डे फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टअप, फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ एंड 11th डे, देन दैट इज गोइंग टू रिजल्ट
on the female child. Okay, so 13th day onwards, it is considered to be despicable. That means it is not advised or not recommended. Prabhrutayo nindya. वो त्रयोदशी तिथि जो है 13वां दिन जो है वह निंद बताया है। अब देखिए ये जो तिथि आप पकड़ रहे हैं तो उसको किस पद्धति से जाना चाहिए, इसको विस्तार से मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि हम प्रथम वर्ष के दृष्टि से ज्यादा इन लेक्चर को देख रहे हैं और उसका विश्लेषण अगर हम करते बैठ जाएंगे तो शायद हमें गर्भ शरीर खत्म होने के लिए 8 से 10 लेक्चर भी ले सकते, तो इसको सिर्फ आप लिटरेचर के तौर पे ही अभी जानी। तीसरा जो घटक है शुक्रार्थव विसर्ग के अनुसार, तो अरुंधत वहां को समझाते हैं स्त्री पुंसयोतु संयोगे यद यदि आदव विसृजेत पुमान शुक्रम तथा पुमान विरोजायते बलवान दृढ़ अथ चेत वनिता पूर्वम विसृजेत रक्तम संयुतम ततो रूपान्विता कन्या जायते दृढ़ संहता। तो समागम के वक्त शुक्र अगर प्रथम उसका विसर्ग होता है तो पुरुष संतति की उत्पत्ति होगी और वह कैसे होगा, स्थिर होगा और उसमें सुदृढ़ता भी होगी। और उसी प्रकार से अगर आर्तव पहले एक्सपेल होता है समागम के वक्त तो सुंदर ऐसे कन्या रत्न का जन्म होगा और उसके भी जो स्ट्रक्चर्स है वह वेल बिल्ट अप यानी सुदृढ़ रूप से वो स्त्री संतति कन्या रत्न उत्पन्न होगा। चौथा जो बेसिस है बेस्ड ऑन आहार विहार रक्षण ऑफ गर्भिणी उसको देखेंगे। सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थ स्त्री स्त्रीपान स्वप्नाशनशील चेष्टा सव्यात गर्भ नचवृत्त गर्भ सव्य प्रदुक्ता स्त्रियमेव सूते। तो आगे सुश्रुताचार्य चार्य स्थान 3रे अध्याय में बहुत विस्तार से ये सारी चीजें बताते हैं कि तत्र यस्या दक्षिणे स्तने इत्यादि पद्धति से, वह बहुत विस्तार से ये सारी चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि इन लक्षणों का गर्भिणी के लक्षणों के द्वारा आप अनुमान कर सकते हो। मैं इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर कोई रिसर्च ऑब्जर्वेशनल स्टडी मेरे तो सुनने में अभी तक नहीं आया। इसको अगर माने तो और इसके दृष्टि से यानी आज के लॉ है उस दृष्टि से ऐसा स्टडी परमिट भी नहीं किया जा सकता, इसलिए होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह लॉफुल नहीं होगा। आगे जाते हैं तो यह जो आहार विहार किस प्रकार की आकांक्षा रहती है उस स्त्री को, उसके दृष्टि से ये सारे लक्षण जो है वो बताए हुए हैं। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे दिया है वो अगर आप बताएं देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे वो बताते हैं the pregnant woman in whom the milk appears initially in the right breast, prominence of right of the abdomen, appearance of the throbbing pain initially in right lower limb. Okay, women will get affectionate towards the objects which bear the name of masculine gender, then definitely that lady or that pregnant lady who is going to give birth for a male child. Okay, again some details are given here. The lady observes the plants which bears the name of masculine gender in her dreams like Padma. Okay, then Utpala. Yeah, Padma, Utpala. Utpal jo hai wo kamal ka hi ek prakar hai, Padma bhi waise hi hai. Kumuda, then Amartak, etc. The face and the color are pleasant and that should be understood as one giving birth to a male child. Agar us garbhini ka chehra jo hai, wah bahut hi sundar dikhai de raha hai, attractive dikhai de raha hai, to ye sabhi symptoms jo hai, wo male child ko janam degi, aisa anuman kar sakte hain. Dekhiye, isko literature ke taur pe hi aap dekhe, मैं किसी विशिष्ट स्त्री या पुरुष शरीर के संतति उत्पत्ति के लिए यह व्याख्या नहीं दे रहा। See who has features opposite to the above said should be understood as one giving birth to a female child. See whose both flanks are depressed, abdomen is indrawn, in its front and absence of features said earlier
should be understood as the one giving birth to a napunsak, that is hermaphrodite. So ye tino ling, yani purush, stri aur napunsak, iske lakshan yahan pe forecasting ya future anuman jo hai bhavishy ka diya hai. ये पांचवा घटक है वीर्योत्सर्ग जो है विविध नाड़ियों पे स्त्री शरीर के किस पद्धति से होता है इजैकुलेशन उसके अनुसार यहाँ पे कुछ भाव प्रकाशकार प्रकाश डालते हैं. देर आर थ्री नाडीज ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज द वजाइना दैट इज कॉल्ड एज समीरण चंद्रमुखी एंड गौरी. द शुक्र दैट इज द सीमेन डिपॉजिटेड इन द समीरणा विल not bear fruit. तो समीरणा नाड़ी के ऊपर अगर शुक्र निषेक हुआ शुक्रोत्सर्ग हुआ तो वहां पे संतति उत्पत्ति नहीं होने वाली स्त्री बीज या पुरुष सॉरी स्त्री संतति पुरुष संतति कोई भी नहीं. द शुक्र डिपॉजिटेड ऑन चंद्रमासी नाड़ी इन दैट चंद्रमासी नाड़ी विशेषतः जो है वहां पे फीमेल चाइल्ड का उत्पत्ति होगी. और अगर शुक्र गौरी नाड़ी के ऊपर अगर निषेक या उत्सर्ग होता है उसके ऊपर तो मेल चाइल्ड निश्चित है. तो विद्यार्थियों ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं मुझे समीरणा ना ही चंद्रमासी और ना ही गौरी इन नाड़ियों का पता है. तो यह केवल अध्ययन की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं. अभी छठा जो बेस ऑन पुंसवन विधि यानी नस्य एक इम्पोर्टेंट विधि उसमें प्रक्रिया बताई है विशिष्ट पद्धति से नस्य देना विविध औषधियों की उसको पुंसवन कहते हैं. चक्रपाणी तत्व उसकी व्याख्या बताते हैं पुंस्त्व कारकम कर्म पुंसवन. तो मेल चाइल्ड के दृष्टि से ज्यादा फोकस करते हुए इसकी विधि बताई है इसलिए इसको पुंसवन कर्म कहते हैं. तो उसको मैं जैसे कि तैसे आपको पढ़ के बताता हूँ. On the day of Pushya Nakshatra, the pregnant lady should be offered to drink curd added with either, that is, Dhanyamasa, two Dhanyamasa, or Sweta Sarshapa with two birds of Nyagrodha. Nyagrodha क्या है? वह वट के जो आगे के अंकुर रहते हैं. So that is the birds of Nyagrodha, that is the banyan tree, which is collected from the eastern, that is, पूर्व दिशा की ओर से या उत्तर दिशा की ओर से कलेक्ट किए हुए जो वो नेग्रोथ के अंकुर है उनको लेना है. मिल्क बॉइल्ड विद द पेस्ट ऑफ ये विविध भिन्न भिन्न रेसिपी है एक ही स्त्री ने सारे नहीं करने हैं आइदर और है ये. तो मिल्क बॉइल्ड विद द पेस्ट ऑफ जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमन. तो एक सिद्धक्षीर का योग यहाँ पे दिया है. On the day of Pushya Nakshatra, the pregnant lady is to be made to drink an anjali. Okay? एक anjali जो है प्रमाण में water या पानी लेना है added with यह विशेष प्रकार का एक कीटक बताया है कुड्य कीटक और small fish है जिसे मत्स्या कहा है. ठीक है तो इसको तो भूल ही जाना है हम कहाँ ढूंढेंगे ये कुड्या कीट और मत्स्या. On the day of Pushya Nakshatra, she should be made to drink an anjali of milk, curd or water, which red-heated small statue of man prepared of a gold, silver or iron is immersed. अभी देखिए इसमें पुरुषाकृति जो है आकृति बनानी है वह सुवर्ण की रौप्य की या अपने लोहे की जैसी पेइंग कैपेसिटी होगी उस कपल की. तो पुष्य नक्षत्र में वो क्या करना है वह जो आकृति रहेगी छोटी बिल्कुल छोटी रहती है बाली के जितनी अपने जैसे हम गले में पेंडेंट डालते हैं उतनी आकृति पतली सी बना सकते हैं आप. और उसको गर्म करके एक अंजलि गाय के दूध में या फिर दही में या फिर पानी में उसको गर्म करते हुए डुबोना है. गर्म कितनी करनी है वो पुतली वह करनी है कम से कम वह लाल हो जाए उतनी और फिर भिगोनी है या डुबानी है उस मिल्क में कर्ड में या पानी में और फिर वो पी जाना है उस स्त्री ने. When the conception is known to have taken place on the same day, three or four drops of swaras of Lakshmana, Vatashunga, Sahadev, ठीक है ये कुछ वनस्पतियां बताई है और सच अदर प्लांट्स मैसरेटेड उनका कल्प बनाना है दूध के साथ. That should be put into right nostril. दक्षिण नासा में
या राइट नॉस्ट्रिल में वह नस्य देना है पुरुष संतति उस स्त्री को चाहिए तो, और सी शुड स्वालो इट एंड शुड नॉट स्पिट इट आउट। आपको पता है नासा द्वारा या नाक द्वारा जो भी औषधियां दी जाएगी वह गले में उतरती है, तो नस्य के लिए वो अनप्लेजेंट रहती है, इसलिए बहुत सारे लोग पुरुष हो स्त्री जो हो वो थूक देते हैं या गार्गल करके निकाल देते हैं, लेकिन ये पुंसवन विधि में उसको निगल जाना है। यहाँ पे राइट नॉस्ट्रिल में पुरुष शरीर के लिए देना है, और विशेषतः जो है अगर स्त्री संतति चाहिए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में नस्य देना है, ये विशिष्ट योग का। ठीक है, आगे जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वह है गर्भोत्पादक सामग्री। तो गर्भोत्पादक सामग्री जो है वह क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यही खत्म करते हैं इस लेक्चर की। नेक्स्ट पार्ट जो है वह हम गर्भोत्पादक सामग्री से आगे देखेंगे। आपकी अगर कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तो अवश्य पूछिए, उनका समाधान करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।